या मैंने तुमको ऑफिस में नहीं देखा। मैं इधर थी, आज छोटा सा फंक्शन था, वो कवर करने के लिए गई थी। तुम्हारा काम तो आसान है ना, वहीं पे रुककर तुम्हारा काम हो जाएगा। मगर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ ना, आज भी मुझे डांट मिला था एक्सक्लूसिव ना देने के लिए। अभी अभी तो महीना शुरू हुआ ना, कहाँ से ले आऊँ मैं ये एक्सक्लूसिव। मीरा तुम सही बोल रही हो, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है, तो एकदम स्टार हो मेरा। तुम रोज हॉट एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़ लाती हो है ना। अरे दीप्ति, कौन सी एक्सक्लूसिव कौन सी खबर, नारकोटिक्स सेक्स रैकेट यही तो है ना खबर। मुझे तो ये खबर लेना पड़ेगा कि इसके पीछे किसके हाथ है, हो सकता है मुझे नई कहानी देना पड़ेगा, यही तो है ना एक्सक्लूसिव। थक गई यार। अच्छा कहाँ जा रही हो तुम? तुम चलो, मुझे थोड़ी काम है। अच्छा फिर मेरी बेटी घर पे वेट कर रही होगी। मीरा आज मैंने विष्णु को देखा, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते, कम से कम तुम्हारी बेटी के लिए। दीप्ति मेरी बेटी घर पे अकेली है। हाय मीनू, मम्मी से नाराज हो क्या? मीनू मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। माँ जरा घड़ी तो देखो, 5 बजे। ऑटो अंकल मुझे कब छोड़ा आपको मालूम है? कब छोड़ा? 4:30। यहाँ मैं अकेली थी। आई एम सॉरी बिटिया, मम्मा बहुत बिजी थी, कल आते समय तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट ले आऊंगी। अच्छा मीनू, तुम जाके फ्रेश हो जा, तब तक तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगी। हेलो सर। ये क्या हो रहा है मीरा, तुम्हें पता है मीडिया कंपटीशन के बारे में ना? तुम जैसे खास जर्नलिस्ट से मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, हमेशा से तुम बहुत ही रेयर न्यूज़ कंटेंट्स ढूंढ निकालती हो। पिछले 1 महीने से तुमने कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लाया, क्या हुआ मेरा? और एक और बात है, हमारा सर्कुलेशन इस साल 1 लाख इंक्रीज करना है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। और इसी वजह से मैं तुम्हारी तरफ से कुछ खास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी।
यहाँ क्यों खड़ी हो मीनाक्षी? मुझे तू नहीं पहचाना क्या? देखो उस कोने में है मेरा घर। अंकल मम्मी अभी तक नहीं आई, उसने कहा वो जल्दी आएगी। मम्मी का नंबर दे दो, अपन बुला के देखेंगे। 8086542682। बाप रे, आउट ऑफ रेंज है। अब क्या करें? हम डीप्टी आंटी को कॉल करते हैं। वो मम्मी की दोस्त है। हाँ, उसका नंबर बताओ। 9400091367। हेलो। हेलो दीप्ती आंटी है ना? मैं मीनाक्षी हूँ। हाय मीनाक्षी, किसका नंबर है ये? ये एक अंकल का नंबर है। आंटी मम्मी अभी तक नहीं आई, नंबर भी नहीं लग रहा है, मैं अकेली हूँ। मैं चेक करके बताती हूँ, तुम फिगर मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। दीप्ति आंटी। हाय डार्लिंग। आप जा सकते हो। कुछ है तो मैं बुला लूंगी। ठीक है। तो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। आपने कुछ खाया? नहीं आंटी। पता नहीं चाबी किधर रखा हुआ है। बेटी अब खाओ ये। मम्मी किधर गई? शायद उसको काम तो होगा, बाद में तुमसे मिलने जल्दी आएगी। अरे यार उस होटल में सिर्फ बरोटा और बीफ ही मिलता है। हाँ कुछ भी लाओ, बहुत भूख लग रहा है, ये तो गैस छड़ जाएगा। बॉस किधर है भाई? वो कैमरा लेकर उस तरफ चला गया। अरे तुम तो जाग गई हो। हाँ हमने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है यहाँ। भाई हमारे बॉस को बुलाओ। तुम वो रेपिस्ट है ना? तुम तो जेल में था ना? हाँ मैं ही हूँ वो पुराना रेपिस्ट। तेरे भाषा में बोले तो वो 14 साल की लड़की को क्रूर बलात्कार करने वाला आदमी।
तुम जर्नलिस्ट लोगों मुझे एक नाम रखा है, क्रूर लुटेरा। मगर कोर्ट ने मुझे रिहा कर दिया क्योंकि कोई सबूत नहीं है। इसे मुझे एक बात समझ में आया, गवाह नहीं है तो शिक्षा भी नहीं है। मैं तुझे बिना किसी गवाह के बलात्कार करने जा रहा हूं, उसके लिए तैयार रहो। बदमाश। मुझसे क्या चाहते हो? क्या किया था मैंने? बेहतर होगा तुम मुझे छोड़ दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुम कितने जोर से भी चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं। अबे चुप रहना। तुम लोग छोड़ो उसे। फिक्र मत करो, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं तुझे एक अलग तरीके से शिक्षा देना चाहता हूं। तुझे मालूम है ना, तुरंत जाकर आना। गो। कल का अखबारों में और न्यूज चैनल्स में एक ब्रेकिंग न्यूज आएगा, द वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट मीरा विष्णु अज्ञात गैंगस्टर्स द्वारा बलात्कार किया गया। क्यों क्यों ये सब कर रहे हो? उसके बाद तुझे सब कुछ मालूम होगा। कितने कॉपीज है? मैंने 100 कॉपीज लिया है और उसके साथ ही सीडीज भी लिया है चैनल्स को देने के लिए। सब कुछ कवर में डालो, एक भी चैनल मिस नहीं होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी लाइफ, मेरी बेटी की भविष्य। हर किसी के पास अपना लाइफ है, मगर तुम लोग वो भूल रहे हैं।
ये एक जवाब है, जवाब है तुम लोगों के लिए। जासूसी कैमरों के मदद से तुम दूसरों का जीवित सर्वनाश कर रहे हैं, ये जवाब उसके लिए है। आंखों पर पट्टी डालो और गाड़ी में ले जाओ। मम्मी क्यों अभी तक नहीं आई? मुझे लगता है पुलिस में बताना चाहिए, वही सही है ना? नहीं भैया, वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। मम्मी बेटी, मम्मी मीनू, मम्मी चलो उठिए, उठिए ना, चलो ना। मीरा किधर गई थी तुम? बोलो कौन है? बोलिए ना, क्या हुआ? भागो! हे रुको! नहीं रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया, जरा रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया, समझो। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लाइफ बर्बाद मत करो, रुको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। कल से सब खत्म हो जाएगा, जो गलती मैंने किया मुझे भुगतना पड़ेगा।